नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास पर आप लोग का स्वागत है। तहे दिल से स्वागत आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आज के वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो भी स्टूडेंट जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो है 2024 में एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, किस चीज का, BA LLB का, उसी के बारे में बताने वाला हूँ। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों की आंसर की आउट हो चुकी है, मैं इसमें बताने वाला हूँ कि आप लोगों का काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा, प्लस मैं ये चीज बताने वाला हूँ कि आप लोगों का जो है रिजल्ट कब तक आ जाएगा, प्लस ये भी चीज मैं बताने वाला हूँ कि आप लोगों का कितना नंबर रहेगा तब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, आप लोग वेट करें। ठीक, यही चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, कितना कट ऑफ पहले रहा, अब की बार कितना कट ऑफ जा सकता है, ये मैं सब सारी चीजें जो है आपको डिस्कस करूंगा एक ही वीडियो में। आपको ध्यान से और अच्छे तरीके से पूरे वीडियो को देखना होगा, मुझे जो है करीबन 8 से 10 मिनट टाइम देना होगा और सारी चीजें आप लोग जो है स्टेप बाय स्टेप जो है समझ लेंगे। ठीक, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइएगा, अधिक से अधिक लोगों को बीच में शेयर भी करिएगा, यहाँ से आपको बहुत कुछ लाभ मिलेगा। अभी आप लोग नए बच्चे हैं, आप लोग इधर उधर भटक रहे हैं अलग अलग चैनलों पर, ठीक, लेकिन लाभ को अगर पढ़ाने वाला है कोई सेमेस्टर एग्जाम में, लखनऊ यूनिवर्सिटी हुआ या और कोई अदर यूनिवर्सिटी हुआ, लेकिन जो लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात मैं कह रहा हूँ, सेमेस्टर वाइज जो पढ़ाने वाला हुआ या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब सारी चीजें टाइम टू टाइम सारी अपडेट जो है लास्ट से रिलेटेड जो है, तो वो मेरा ही चैनल है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा। मेरे चैनल के अलावा जो है आप लोग जो है लॉ के बारे में जो है ज्यादा जानकारी नहीं पाएंगे, BA BSc BCOM ये सब सारे जो चीजों का अपडेट देते हैं लोग, लेकिन जो लास्ट से रिलेटेड होता है BA LLB LLB LLM या जुडिशरी से रिलेटेड जो है, तो आपको यहाँ सब सारी चीजें मिलती है। ठीक, बाकी BA BSc BCOM ये सब भी अपडेट मिलता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट मेरा चैनल है जिसके लिए मैंने बनाया है, ये लास्ट से रिलेटेड ही है। ठीक, आपको टॉपिक वाइज सारे लेक्चर्स सब कुछ जो आपको प्रोवाइड होते रहेंगे, कैसे क्या होगा, कब इंफॉर्मेशन, कब क्या, कैसे एग्जाम की तैयारी करें, सारे चीज मतलब ओवरऑल जितने भी आप लोगों को जो है सेमेस्टर एग्जाम में काम आने वाले हैं वो ये चैनल आपको बहुत कुछ बेनिफिट देगा। ठीक, इसके लिए आप लोग मेरे ऐप को भी इंस्टॉल करें, ऐप से आपको बहुत कुछ नोट्स, PDF ये सब सारी चीजें आपको मिलेगी बहुत ही कम दामों में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 10, टॉप 5 सब कुछ मिलेगा। ठीक, ऐप का लिंक जो है नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां से जाकर के इंस्टॉल करिए, आपको बहुत कुछ बेनिफिट मिलेगा। ठीक, और मेरे पढ़ाए हुए हर बार जो है एंट्रेंस एग्जाम में कई हजार स्टूडेंट जो है अलग अलग यूनिवर्सिटियों में सिलेक्शन होता है, लखनऊ यूनिवर्सिटी की ही बात करें BA LLB में जो है करीबन जो है बहुत से स्टूडेंट जो है सिलेक्शन होते हैं, करीबन जो है 60-70 जो भी है मोस्ट से जो कन्विंस होते हैं उनका सिलेक्शन जहाँ तक मुझे लगता है कि 95% हो ही जाता है। ठीक, क्योंकि मैं जो ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन भी आकर के पढ़ाता हूँ, वो सब सारी चीज़ें जो है उनको बेनिफिट देता है, क्योंकि मैं लास्ट से पढ़ा हूँ, मैं LLB खुद जो है किया हूँ, तो मुझे पता है मैं एडवोकेसी में हूँ, तो और प्रॉपर सारी चीज़ें जो है अपडेट सारी चीज़ें देता हूँ, प्लस जो है रिसर्च भी करता हूँ, जुडिशरी को पढ़ाता हूँ, तो मुझे वो एक्सपीरियंस है। ठीक, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं जो है आप लोगों का जो है आंसर की आउट हो चुका है, आप लोग चेक कर लिए होंगे कि कितना क्वेश्चन सही है, कितना आप लोगों का जो है गलत है, क्या है, ये सब सारी चीजें आप लोग चेक कर लिए होंगे ऑलरेडी। ठीक, 100 क्वेश्चन आता हुआ आप सबको पता होगा, 100 में से कितना सही है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, लेकिन फिर भी मैं इसमें आप लोगों को कट ऑफ के बारे में भी जो है जिक्र कर दूंगा। आप लोगों को सबसे पहले बता दूं रिजल्ट आप लोगों का कब तक आएगा, रिजल्ट आप लोगों का जो है जल्द ही आने वाला है, मतलब जो है 2-4 दिनों में जो है हो सके रिजल्ट आप लोगों का आउट हो जाए। काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा, अभी BA LLB की काउंसलिंग नहीं स्टार्ट है। ठीक, BCOM वालों की चल रही है, BCOM वाले स्टूडेंट काउंसलिंग कर सकते हैं, बाकी और भी जो है किसी कोर्सेज का जो है अलाउ होगा जैसे ही मैं अपडेट करूंगा। ठीक, बाकी अगर आप BA LLB करें तो इसकी काउंसलिंग अभी नहीं हो रही है, ठीक, नॉट रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है, और वो स्टार्ट होने वाली है, जल्द ही स्टार्ट होगी। और आप लोगों को बता दूं इसका कट ऑफ कितना जाने वाला है, कट ऑफ इसका कितना जाना है, तो कट ऑफ आप लोगों को बता दिया हूँ, पहले ही बताया हूँ कई वीडियो के माध्यम से, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ इस बार कट ऑफ आप लोगों का थोड़ा हाई जा सकता है, क्योंकि बच्चे आपकी बार जो है पिछले जो है 2-3-4 साल ये जो है पीछे जो स्टूडेंट जितने जो है फॉर्म फिल किए थे आपकी बार उसके अकॉर्डिंग जो है ज्यादा लोगों ने जो है फॉर्म को फिल किया, 120 सीटें हैं, उसी पर फाइट करना होगा, कंपटीशन है। ठीक, 3 ईयर LLB में 320 सीटें, लेकिन इसमें जो है बहुत कम सीटें हैं, तो आपको फाइट करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, और आप लोगों ने लड़ लिया। ठीक, अब जो है आप लोगों का जो है रिजल्ट परिणाम आप लोगों के पास जो है आने वाला है, आंसर की मिला चुके होंगे, आपको अनुमान लग गया होगा कि आपका जो है सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो जो कट ऑफ जाता है वो अप्रॉक्स जो है आपको जो है 65 से लेकर 70 क्वेश्चन जो है सही जाना ही चाहिए। ठीक, सही जाना ही चाहिए, मिनिमम बता रहा हूँ, अगर आप 75-80 क्वेश्चन तक अगर सही जाते हैं तो आपका 110% सिलेक्शन है। अगर आप लोग जो है 65 या 60 से भी प्लस गए हैं तब भी आप लोग काउंसलिंग कराइएगा,
कैंपस नहीं तो अच्छा कॉलेज मिल जाएगा आपको जो उससे अपलेटेड है, करीबन 10-12 अपलेटेड कॉलेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ही अच्छे हैं। मैंने वीडियो के माध्यम से बताया, उस वीडियो को जाकर के देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक, उसका रिव्यू काउंसलिंग जरूर करवाइएगा। अगर 60 क्वेश्चन आप लोगों का सही है, 55 भी सही है तो कराइएगा। हो सके जो बच्चे 70 क्वेश्चन सही करके आए हों या जो है 80 करके आए, हो सके वो लोग जो है इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना लें, उनका जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में निकल गया होगा, BHU में निकल गया होगा। हर यूनिवर्सिटी का फॉर्म बच्चे जो है फिल करते हैं, वहाँ चले जाए। बाकी बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि क्या कहते हैं कि जो जहाँ तक जो है 90% लोग जो है 3-4 यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करते हैं हर बार हर कोर्सेस के, यहाँ नहीं तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ नहीं तो यहाँ हो जाएगा। तो इसी वजह से आप लोग जो है काउंसलिंग करवाइएगा। हो सके ये बच्चे जब निकलेंगे तो वो सीट खाली ही तो होगा, तो उसके बाद अगर आप रहेंगे तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। यही इसका प्रोसेस होता है। 3-4 राउंड में काउंसलिंग होती है, वेट करिएगा, इंतजार करिएगा, लास्ट में भी हो सकता है। बहुत से बच्चे काउंसलिंग कराने के बाद, उनका होने के बाद, फीस जमा करने के बाद भी छोड़ देते हैं, वो भी सीट खाली जाती है। हर बार ऐसा होता है। मैं 3 साल का एक्सपीरियंस हूँ, 3 साल से ला पढ़ा रहा हूँ, और एक जो है PD मैंने जो है 3 ईयर्स का जो है मैंने निकाल दिया, बच्चे आज जो है एडवोकेट बन गए। ठीक, और एज मेरी ज़्यादा नहीं है, 23, इतने में मैं सारी चीज़ें जो उनको करा दिया। मैं साथ पढ़ता गया और साथ जो है पढ़ाता गया, तो ये दौर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक, तो यही सब सारी चीज़ें थी। इतना क्वेश्चन सही है तो आप काउंसलिंग जरूर कराइएगा। अगर इससे नीचे है थोड़ा तो आप कोई कॉलेज ढूंढ लीजिए, कॉलेज में एडमिशन कराइए, क्योंकि कॉलेज की जो है पढ़ाई जो है सेमेस्टर की जो है स्टार्ट हो गई है धीरे धीरे, जो कॉलेजेस हैं प्राइवेट जो है धीरे धीरे स्टार्ट कर दिए। लेकिन जो है क्या है, अभी जब उनके यहाँ एडमिशन जब जो है कम्प्लीट होगा यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो है, तब जो है सही तरीके से क्लासेस चलेंगे। तो आपको जो अगर चाहिए, अगर आप लोग करना चाहते तो आप लोग उस वीडियो को जाके देखिए, जो टॉप 10 जो है आप लोगों का जो है लॉ कॉलेजेस है उसमें आप एडमिशन ले सके। ठीक, क्या उसका प्रोसेस है सब कुछ मैंने जो है वीडियो में डिस्कस किया। अगर आप लोग चाहेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं न्यू वीडियो अपलोड कर दूंगा। वो वीडियो करीबन जो है साल भर पहले का है, लेकिन फिर भी मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो तो 7985535991 पर कॉल मैसेज करिएगा, नहीं तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, सब जो है व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों का बन चुका है। ठीक, 3 HLLB का, 5 PSLLB का, वही जो एंट्रेंस एग्जाम के अकॉर्डिंग रहेगा, आप लोग जो है उसमें सारे यूनिवर्सिटी के बच्चे जुड़ेंगे। इसके बाद मैं अलग अलग उन्हें जो है छाट दूंगा, जो है सेमेस्टर बता दूंगा, उसमें जो सेमेस्टर बना दूंगा कि फर्स्ट सेमेस्टर के हैं स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी के, इस यूनिवर्सिटी के, तो उसमें आपको बहुत कुछ जो है अपडेटेड मिलती रहेगी। जैसे मैं बनाया हूँ हर जो है सेमेस्टर वाइज जो है हर लोगों का जो है 3 ईयर्स और 5 ईयर्स सबका जो है अलग अलग लेवल का जो है व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ, उसमें मैं टाइम टू टाइम अपडेट भी देता हूँ, सब कुछ मैं आपको रिप्लाई भी करता हूँ। ऐसा नहीं कि आप ऐसे हवा में हम बोल दे रहे हैं, अलग यूट्यूबर से मैं हट गए हूँ। आपकी काबिलियत और आपकी मेहनत को मैं पहचानता हूँ, और आपके जो है ऊपर जो भी दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो तो वो मेरे ऊपर ही है, जान लीजिए, इतना मैं मानता हूँ। टाइम नहीं रहता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ, 110% जो है उसका सोल्यूशन भी देता हूँ। ठीक, जो बच्चे मुझसे पहले से जुड़े हैं उन्हें पूछ लीजिएगा, तब मुझसे जुड़िएगा, और ज्वाइन बटन पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे तो मुझसे आप पर्सनली बात कर सकते हैं, हर चीज़ जो है शेयर कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर ज्वाइन हो जाएंगे तो आप जो है मेरे यूट्यूब का जो है मेंबर हो जाएंगे, फैमिली मेंबर हो जाएंगे, तो आप चाहे जब एनी टाइम कॉल करके मैसेज करके। ठीक, आज का वीडियो यहीं तक था, बाकी और कोई अपडेट चाहिएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, थैंक यू, टाटा टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें।